उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने की नारेबाजी, डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ आंदोलन। पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल बोले, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी फूंका सीएम त्रिवेंद्र सिंह का पुतला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ मुकदमे से नाराज हैं कांग्रेसी। लॉकडाउन में विरोध करने पर दर्ज हुआ था केस। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी की मांग, रोल बैक करो मुकदमा और महंगाई, वरना जारी रहेगा आंदोलन। पूरे विश्व स्तर पर पेट्रोल डीजल के रेट कम हो रहे हैं और हमारे यहाँ भारत में इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मार सीधे तौर पर जनता को ही पड़नी है, जनता के ऊपर ही इसका असर होना है। उन्हीं के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने कल पूरे देश में आंदोलन किया और ये सरकार चाहती है कि जनहित के मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी बात ना करे, जनता बाहर ना आए, आँख बंद करके बैठ जाए, चाहे वो चीन का इशू हो, चाहे महंगाई का इशू हो। तो कांग्रेस पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री हरीश रावत जी पर मुकदमा दर्ज किया गया और कांग्रेस के साथियों पर, दो दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी और बाकी कांग्रेसी पर मुकदमे दर्ज किए गए। ये बिल्कुल नाचायक है, ये गलत है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की तानाशाही रवैया छोड़ें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी को और आक्रामक तरीके से सड़क पर उतरकर विरोध करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक एक्सटेंशन देने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम के प्रति जताया आभार। बोले, घोषणा से करोड़ों गरीब परिवारों को मिला जीने का आसरा, हर किसी को मिलेगा भोजन। प्रधानमंत्री जी के आज के जो उद्बोधन हुआ है राष्ट्र को, उसके लिए पहले से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने देश के गरीबों को और देश की लगभग 80 करोड़ आबादी को उन्होंने पुनः जो गरीब के अन्न की योजना है उसका नवंबर तक के लिए विस्तार किया है। इससे हमारे उन करोड़ों मजदूर भाइयों का, उनके परिवार का और तमाम वो लोग जो आज कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों की ओर गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर भी है और उनकी आजीविका के लिए, जो परिवार के लिए, घर के लिए या जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तु है कि उसको दो समय का खाने को अनाज मिल जाए, उसकी पूर्ति आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसकी उद्घोषणा उन्होंने आज की है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को जितनी बधाई दी जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत कम होगी। टिहरी गढ़वाल में हुई सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना। हादसे में घायल व्यक्ति को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया अस्पताल। सीएम ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। और उत्तराखंड के चमोली में नरभक्षी बाघ ने सरपंच की बेटी को बनाया निवाला। महीने भर में तीसरी घटना। अब तक दो की हो चुकी है मौत। वन विभाग और पुलिस से नारायण बगड़ के ग्रामीणों की मांग, बाघ को मारने की दी जाए परमिशन, तभी करेंगे अंतिम संस्कार, पसरा मातम। यदि उसको आदमखोर घोषित करने की अगर परमिशन नहीं दी जाती है या यहाँ पर शूटर नहीं पहुँचते हैं तो हम पोस्टमार्टम के बाद भी हम अंत्येष्टि नहीं करेंगे जब तक अगर ये, क्योंकि सब में बहुत बड़ा रोष बना हुआ है और सबका यही मानना है, इसीलिए सब लोग एकजुट हैं, सारे क्षेत्रवासी एकजुट हैं। जब तक इसको आदमखोर घोषित होने के साथ साथ यहाँ पर शूटर नहीं पहुँच जाते हैं तो इस छोटी बालिका की अंत्येष्टि नहीं हो पाएगी। और हमने पहले, इससे पहले भी जंगलात वालों को
कहा था कि भैया इसको जल्द से जल्द आप पकड़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से बहुत बड़ी लापरवाही हुई और हम चाहते हैं कि आगे ऐसी लापरवाही ना हो, ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे। इसके लिए जंगलात विभाग से हमने मांग की है कि इसको जल्द से जल्द इसको शूट किया जाना चाहिए। अगर इसको पकड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं फिर छोड़ेंगे, ये फिर वही घटना करेगी। तो इसका हमारा निवेदन है जंगलात से कि ये इसको तुरंत शूट किया जाए। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।